बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं में भारत के विभाजन के प्रश्न उत्तर देख रहे हैं, क्योंकि चैप्टर अपने प्राय प्राय सारे खत्म हो चुके हैं। ये रिवीजन के तौर पर हम आप लोगों को प्रश्न उत्तर दे रहे हैं। हम बार बार आप लोगों को बोला कि प्रश्न उत्तर जो दिए जा रहे हैं इनको आप लोग लिखिए और बार बार वीडियो देख के उसको पढ़िए, जिससे कि आप लोग की परीक्षा की तैयारी भी हो जाएगी। तो हम इसमें भारत विभाजन के अंतर्गत सबसे पहले हम देखेंगे कि 1940 में मुस्लिम लीग का जो प्रस्ताव मांगा गया था वह क्या था। मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में की गई थी, और जिससे कि हम क्या ढाका में की गई थी, और मुसलमानों की प्रथम राजनीतिक संस्था थी जो मुसलमानों को ब्रिटिश सरकार के प्रति राजभक्ति का करता था। तो इससे हम देखेंगे कि जो है आंदोलन जो होता है वह किस तरह से दुर्बल बना, और उसमें शिक्षित मुस्लिम समुदाय जो थे राष्ट्रीय आंदोलन की ओर आकर्षित होने से रोकने के साधन के रूप में उनको किया गया था। फिर 1937 में जब कांग्रेस द्वारा संयुक्त प्रांत में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर मंत्रिमंडल बनाने से इनकार कर दिया था, इससे क्या हुआ था, उनके जो संबंध थे कांग्रेस और मुस्लिम लीग के और भी अधिक बिगड़ गए थे। इस तरह से देखने से ये पता चलता है कि इस्लाम खतरे में है का नारा लगाया गया था। कांग्रेस ने हिंदुओं की संस्था को बताया कि वो खतरे में है। इस तरह से एक दूसरे के मतलब सहायता ना करने का इस तरह से प्रचार किया गया, लेकिन बाद में वे दोनों एक होकर देश के लिए अपना लड़ाई लड़े, उसके लिए आज़ादी के लिए लड़े। फिर हम देखेंगे मार्च 1940 में राहौल में जब अधिवेशन हुआ तो इसमें लीग में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जिसमें कि कहा गया था कि भौगोलिक दृष्टि से सटी हुई इकाइयां जो है राजनीतिक क्षेत्रों में चिन्हित किया जाए, ताकि मुस्लिम संख्या अधिक है उन्हें इकट्ठा करके स्वतंत्र राज्य बना दिया जाए। इस तरह से यह कहा जाने लगा था। इसीलिए जो पाकिस्तान जो भारत का विभाजन हुआ वह किस तरह से हुआ, कुछ लोगों को ऐसा क्यों लगता है बंटवारा बहुत अचानक हुआ, तो अचानक कैसे हुआ। कुछ विद्वानों का विचार है कि देश का विभाजन बहुत अचानक हुआ। हमें याद रखना चाहिए कि भारत के विभाजन की आधार भूमि में जो ब्रिटिश कूटनीति कार्य कर रही थी, ब्रिटिश कूटनीति क्या कार्य कर रही थी, फूट डालो शासन करो की नीति कर रही थी। मुस्लिमों को ज़्यादा सहायता दे रही थी हिंदुओं को, क्योंकि हिंदुओं की संख्या अधिक थी। इस तरह से उन्होंने क्या किया था, फूट डालो शासन करो की नीति अपना कर ही उन्होंने 100 वर्षों तक भारत में शासन किया था। फिर कई बार जो है मुस्लिमों में दुर्बल बनाने के लिए मुसलमानों में सांप्रदायिक भावनाओं को उत्तेजित करते थे। फिर 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ तो उस समय यह स्पष्ट हो गया था कि भारत के अधीन जो है, भारत जो अंग्रेजों के अधीन अधिक समय तक नहीं रह सकता है, मतलब उन्हें अब भारत को स्वतंत्र करना ही होगा। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भी जब भारत को छोड़ना निश्चित हो गया था तो उन्होंने फिर किंतु कूटनीति से ही कुशल खिलाड़ी अंग्रेज जो थे वे एक शक्तिशाली नहीं थे, एक मतलब ये देश को जो है एक शक्तिशाली राष्ट्र न बनाकर उनको क्या करना चाह रहे थे, दुर्बल और विखंडित देश के रूप में देखना चाह रहे थे, ताकि ये शक्तिशाली राज्य या देश के रूप में वह खड़े ना हो या बड़े राष्ट्र के रूप में खड़ा ना हो। इस तरह से देश का विभाजन हुआ था। फिर आम लोग विभाजन को किस तरह देखते हैं, भारत जो है देश के विभाजन में केवल थोड़े समय में एक जुनून के रूप में देखते थे। जैसे ही विभाजन हुआ तो वह स्थायी, क्योंकि विभाजन स्थायी नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद शांति कानून व्यवस्था ये सारी चीज़ें स्थापित करने के लिए जो लोग अपने घरों को वापस लौटेंगे, विश्वास बनाने में जो दुखी साथी हैं उनके सुख दुख बनकर रहते थे, वे सारे लोग एक जगह से दूसरे जगह जाने को तैयार हो गए थे, और जिसमें कि मुसलमान धर्म के नाम पर एक दूसरे के सिर काटने पर मतलब सांप्रदायिक दंगा जो है उस समय चरम सीमा पर पहुंच गई थी। कुछ सांप्रदायिक जो थे वो उसका फ़ायदा उठा रहे थे। इस तरह से अनेक नेता स्वयं गांधी भी अंत तक विभाजन की सोच का विरोध कर रहे थे। इस तरह से 7 दिसंबर 1946 को जब प्रार्थना सभा में भाषण में गांधी जी ने कहा था कि वह दिन देखना चाहता हूँ जब हिंदू और मुसलमान आपसी सलाह के बिना कोई काम नहीं करेंगे, मैं दिन रात इसी आग में जल रहा हूँ कि उस दिन की जल्दी से जल्दी साकार करने के लिए क्या करूँ। लीग से मेरी गुजारिश है कि वे किसी भी भारतीय को अपना शत्रु ना माने। इसी प्रकार 26 सितंबर 1946 को भी महात्मा गांधी ने हरिजन में लिखा था कि भारत एक दूसरे खून के प्यासे टुकड़े में बांट देना चाहते हैं, भारत और इस्लाम दोनों
के शत्रु हैं, मतलब जो अंग्रेज थे वह भारत और इस्लाम दोनों के शत्रु हैं, भले ही मेरी देह के दो टुकड़े कर दें किंतु मुझसे ऐसी बात नहीं मनवा सकते जिसे मैं गलत मानता हूँ। इस तरह से जनसामान्य का गांधी जी पर अटूट विश्वास था और वे आखिरी तक विभाजन का विरोध करते रहे। फिर विभाजन के खिलाफ महात्मा गांधी की दलीलें क्या थी? महात्मा गांधी जो थे वह तो विभाजन चाह ही नहीं रहे थे। जब विभाजन हुआ तब भी वो कोलकाता में थे, उपवास पर थे, क्योंकि वो पूरे समय से उसका विरोध कर रहे थे। इस तरह से भारत एक दूसरे खून के प्यासे टुकड़े में बांटे। अभी हमने पिछले उसमें भी देखा कि किस तरह से वे एक दूसरे के भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे थे, सांप्रदायिकता जो पूर्वाग्रह भावनाओं से जूझते रहे, क्योंकि गांधी जी को मालूम था कि इस तरह से यदि स्थिति आएगी तो वे जो भारत में कुछ लोग हैं वे पाकिस्तान जाएंगे, पाकिस्तान में कुछ लोग हैं वो भारत आएंगे। इस तरह से स्थिति बहुत ही भयावह हो गई थी और गांधी जी इस चीज़ को समझ रहे थे। विभाजन को दक्षिण एशिया की एक ऐतिहासिक मोड़ क्यों माना जाता है? इतिहास में एक ऐतिहासिक मोड़ क्यों माना जाता है? तो भारत के विभाजन को दक्षिण एशिया के एक ऐतिहासिक मोड़ इसलिए माना जाता है कि विभाजन स्वयं में अतुलनीय थी, क्योंकि पूर्व में किसी अन्य विभाजन में ना तो सांप्रदायिक हिंसा का इतना तांडव नृत्य हुआ था और ना ही विशाल संख्या में निर्दोष लोगों अपने घर से बेघर होना पड़ा था। इस तरह से कई वतन जो उजड़ गए थे, कई स्थान में जाने के लिए विवश हो गए थे, कई ने भारत और पाकिस्तान के बीचों रातों रात जो थी वह खड़ी कर दी गई, जिसमें कि सीमा के पार और उस पार जाने को लोग जो हैं वह विवश हो गए थे। कई लोगों की संपत्ति, घर, दुकानें, ज़मीनें, रोजी रोटी के साधन भी उनके हाथों से छिन गई थी। कुछ की घर गृहस्थी छोड़कर वे अपने लोगों को छोड़कर वे कई लोग प्रियजन बिछड़ गए थे। किसी ने पिता खोया, किसी ने भाई खोया, किसी ने सुहाग खोया। इस तरह से पूरा देश जो है वह सांप्रदायिक हिंसा में या फिर उथल पुथल उसमें स्मृति घृणाएँ छबियाँ ये सारी चीज़ें जो है हमारी स्मृति में उस समय स्थापित हो गई थी। इस तरह से हम देखेंगे ये जो है प्रश्नों के उत्तर जो हैं वे आप लोगों को बार बार देखना है, करना है और पढ़ना है, तभी आप लोग परीक्षा की तैयारी आसानी से कर सकते हैं।